हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल की एक पोएम, जिसका नाम है द फाउंटेन। जी हाँ, ये हमारी हाई स्कूल की पोएम है जिसका नाम है द फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब क्या होता है? फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। ठीक है, इसको लिखा किसने है? जी हाँ, इसके पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। ठीक है, इस पोएम के पोएट का नेम है जेम्स रसेल लॉवेल। इस पोएम में फव्वारे की विशेषताएं बताई गई हैं कि एक फव्वारे के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक फव्वारे के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इनटू द सनशाइन। इनटू द सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य की रोशनी या धूप। ठीक है, तो इनटू द सनशाइन यानी धूप में या सूर्य की रोशनी में फुल ऑफ द लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश या रोशनी। ठीक है, फुल ऑफ द लाइट, फुल होता है ये भरा हुआ होता है, ऑफ द लाइट यानी प्रकाश से, रोशनी से, यानी सूर्य के प्रकाश में यह यानी फव्वारा प्रकाश से भरपूर होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग का मतलब होता है उछलता रहता है, गति करता रहता है। एंड फ्लैशिंग, और फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकता रहता है। फ्लैश का मतलब होता है चमक या बिजली, जैसे हम फोन में देखते हैं फ्लैश होता है, यानी एक चमक होती है जो हमें पिक्स लेने में, फोटो खींचने में मदद करती है। तो लीपिंग एंड फ्लैशिंग, ये उछलता रहता है, गति करता रहता है, जैसे छोटा बच्चा उछलता रहता है, छोटे बच्चे की तरह ये फव्वारा अठखेलियां करता रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, और चमकता रहता है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ठीक है, मॉर्न का मतलब क्या है यहाँ पर? ये नाइट लिखा हुआ है, नाइट। ठीक है, ये फ्रॉम, यहाँ मॉर्न का मतलब है ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग का ये छोटा रूप लिखा हुआ है, लघु रूप लिखा हुआ है मॉर्न। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको? सुबह। मॉर्न का मतलब सुबह, टिल मतलब तक, यानी सुबह से लेकर कब तक? नाइट, शाम तक या रात तक। तो सुबह से लेकर शाम तक ये क्या करता रहता है? लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है और चमकता रहता है। एक बार सारी पंक्तियां पढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा रोशनी से भरा हुआ होता है, प्रकाश से भरा हुआ होता है। सुबह से लेकर शाम तक ये फव्वारा उछलता रहता है और चमकता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर टू, इनटू द मूनलाइट। मूनलाइट का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का प्रकाश। मून का मतलब चंद्रमा, लाइट का मतलब प्रकाश यानी चांदनी। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश या चांदनी। तो चंद्रमा के प्रकाश में या चांदनी में व्हाइटर देन स्नो, व्हाइटर, व्हाइट मीन्स होता है सफेद, और व्हाइटर ज्यादा सफेद, अपेक्षाकृत अधिक सफेद, ज्यादा सफेद देन स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ से भी ज्यादा या बर्फ से भी अपेक्षाकृत अधिक सफेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेव का मतलब होता है लहर या तरंग, और यहां पर क्या होगा? क्योंकि ये फ्लावर है, फ्लावर लाइक यानी फ्लावर की तरह, फूल की तरह, तो क्या करेगा? फूल की तरह हिलेगा। ठीक है, तो फूल की तरह हिलता रहता है। ठीक है, वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह ये, फूल की तरह ये हिलता रहता है। कब? व्हेन दी विंड्स ब्लो, व्हेन दी विंड्स ब्लो, जब हवाएं, विंड्स ब्लो, ब्लो मीन्स चलना, हवा का चलना। ठीक है, तो व्हेन दी विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। तो एक बार दोनों स्टैंजास को हम एक बार फिर पढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में यह प्रकाश से भरपूर होता है, तथा सुबह से लेकर शाम तक ये उछलता और चमकता रहता है। चंद्रमा के प्रकाश में या चांदनी में ये बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है, और जब हवाएं चलती हैं, व्हेन विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं तो ये फूलों की तरह हिलता रहता है। ठीक है, स्टैंजा नंबर थ्री, इनटू द स्टारलाइट। स्टारलाइट का मतलब होता है तारों का प्रकाश। स्टार मीन्स तारा और लाइट मीन्स प्रकाश। तारों के प्रकाश में रशिंग इन स्प्रे,
रशिंग का मतलब होता है, वैसे रश का मतलब होता है दौड़ना, जब कोई दौड़ता है। और कैसे दौड़ता है कि एक जल्दी में दौड़ता है, कुछ पाने के लिए दौड़ता है, तो उसे रश कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर चूंकि फव्वारा दौड़ेगा, मतलब वो दौड़ेगा नहीं, गति करेगा। ठीक है, रशिंग तो मतलब फव्वारा एकदम से गति करता है, ऐसा लगता है कुछ पाने की चाह हो ना, तो रश का यहाँ पर अर्थ निकाला गया है। तो रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे मीन्स होता है फुहार। ठीक है, तो फुहार के रूप में गति करता रहता है। ठीक है, यानी तारों के प्रकाश में यह फुहार के रूप में गति करता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, ये हैप्पी रहता है, प्रसन्न रहता है एट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात में भी या अर्ध रात्रि में भी। मिड मीन्स आधा, नाइट मीन्स रात। ठीक है, रात्रि, आधी रात में भी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, हैप्पी बाई डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। ठीक है ना, यानी कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, यह हमेशा खुश रहता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है। अभी फिर पढ़ेंगे, पहले नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 4। एवर इन मोशन, एवर का मतलब होता है हमेशा या सदैव। तो ये सदैव क्या रहता है भाई, इन मोशन, मोशन में रहता है, यानी गतिमान रहता है। मोशन मीन्स होता है गति। ठीक है, तो ये सदैव गतिमान रहता है या गति में रहता है। ब्लिदसम एंड चेरी, ये सदैव कैसा रहता है, ब्लिदसम। ब्लिदसम का मतलब होता है प्रसन्न, एंड चेरी, और चेरी का मतलब भी होता है प्रफुल्लित या प्रसन्न। ठीक है, तो ये सदैव गतिमान रहता है तथा सदैव प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। ठीक है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, स्टिल मीन्स हमेशा, यहाँ पर स्टिल का मतलब क्या होता है, होगा हमेशा, हमेशा क्लाइंबिंग, वैसे क्लाइंब मीन्स चढ़ना, यहाँ पर फव्वारा है तो क्लाइंब करता है, यानी उन्नति करता रहता है, ऊपर उठता रहता है। ठीक है, हेवन वर्ड, हेवन वर्ड मतलब, हेवन का मतलब स्वर्ग। ठीक है, और वार्ड कब लगाते हैं, किसी की ओर जाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, जैसे साउथ वार्ड, साउथ की ओर है ना, तो इस तरीके से हेवन वर्ड यानी स्वर्ग की ओर या आसमान की ओर या आकाश की ओर। तो ये हमेशा आकाश की ओर गति करता रहता है। नेवर अ वियरी, और कभी भी यह वियरी थकता नहीं है, थकावट महसूस नहीं करता है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं दोनों स्टैंजास को। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में यह रशिंग इन स्प्रे यानी फुहार के रूप में गति करता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात में भी या आध रात्रि में भी यह प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी यह प्रसन्न रहता है। एवर इन मोशन, यह सदैव गतिमान रहता है। ब्लिथसम एंड चियरी, सदैव प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, यह सदैव स्वर्ग की ओर या आकाश की ओर गति करता रहता है। नेवर अ वियरी, और कभी भी थकता नहीं। स्टैंजा नंबर 5, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड मीन्स क्या होता है, प्रसन्न या खुश। ऑफ ऑल वेदर्स, हर एक वेदर में, वेदर मीन्स क्या होता है, मौसम। ठीक है, ऑल मीन्स सभी, सभी मौसमों में, हर एक ऋतु में ये क्या रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट। स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी पढ़ चुके हैं, स्टिल हमेशा। सीमिंग, सीम मतलब होता है लगना, दिखाई देना। ठीक है, हमेशा दिखाई देता है बेस्ट, सबसे अच्छा। ठीक है, यानी प्रत्येक ऋतु में यह प्रसन्न रहता है, चाहे कोई भी ऋतु हो, यह हमेशा प्रसन्न रहता है और यह हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे यह ऊपर की ओर गति करे अपवर्ड, चाहे यह डाउनवर्ड नीचे की ओर गति करे। ठीक है, मोशन दाई रेस्ट, जो मोशन है, जो गति है, वही तुम्हारा आराम है। दाई का मतलब क्या होगा यहाँ पर, तुम्हारा, ये योर का एक रूप है, योर। ठीक है, योर मीन्स तुम्हारा होता है, उसी का एक रूप है दाई मीन्स तुम्हारा। ठीक है, यानी गति में ही तुम्हारा आराम है। ठीक है, आप जानते हैं पोएम की लैंग्वेज ऐसे ही होती है, होना क्या चाहिए, मोशन इज योर रेस्ट। ठीक है, इज यहाँ पर गायब हुआ है, ये पोएम की ऐसी ही भाषा होती है, हमें इसे सेंस के माध्यम से समझना होता है। ठीक है, ग्रामेटिकली ये पूरी तरह करेक्ट नहीं होती है पोएम। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टैंजा 6, फुल ऑफ अ नेचर। ठीक है, यानी ये जो फव्वारा है, ये फुल ऑफ, भरा हुआ होता है अ नेचर। ठीक है, वैसे नेचर का मतलब होता है क्या, कि स्वभाव भी होता है, प्रकृति भी होता है, यहां पर क्या कहेंगे, प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है ये। ठीक है, प्राकृतिक गुण, नेचर का अर्थ निकालेंगे प्राकृतिक गुण, ये प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है। नथिंग कैन टेम, इसको कोई भी चीज, नथिंग कैन टेम,
पालतू नहीं बना सकती, मतलब नियंत्रित नहीं कर सकती। टेम मीन्स क्या होता है, पालतू बनाना, लेकिन फवारा है तो पालतू नहीं बनाया जाएगा, क्या करा जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा ना। तो कोई भी चीज इसको नियंत्रित नहीं कर सकती, ये आजाद होता है, ठीक है। चेंज एवरी मोमेंट, ये फवारा जो है हमेशा चेंज बदलता रहता है। एवरी मीन्स प्रत्येक, मोमेंट का मतलब क्षण, ठीक है, प्रत्येक क्षण ये बदलता रहता है। आप देखेंगे जितनी बार भी इसको देखेंगे ऐसा लगेगा कि ये नया है, ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका रूप बदल गया है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा एक ही गति करता रहता है और उसी गति में इतना सुंदर लगता है कि हर बार हमें यह अच्छा लगता है, ठीक है। यानी चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण यह बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी ये हमेशा, एवर मीन्स क्या होता है, हमेशा, फिर भी यह हमेशा सेम रहता है, एक जैसा रहता है। यानी इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हर परिस्थिति में हमको एक जैसा स्वभाव रखना चाहिए, ना कभी बहुत खुश ना कभी बहुत दुखी। चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम। यानी एक फवारा हर मौसम में, हर ऋतु में हमेशा प्रसन्न रहता है और यह हमेशा, स्टिल मीन्स हमेशा, सबसे अच्छा दिखाई देता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की ओर यह गति करे या नीचे की ओर गति करे, मोशन में ही इसका आराम होता है, गति में ही इसका आराम होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, फुल ऑफ नेचर, ये प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है। नथिंग कैन टेम, इसको कोई भी चीज नियंत्रित नहीं कर सकती, ये आजाद होता है, अपनी इच्छाओं का मालिक होता है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण यह बदलता रहता है, फिर भी एवर द सेम, फिर भी यह हमेशा एक जैसा रहता है। स्टैंजा नंबर 7, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट। सीजलेस का मतलब पहले हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, सीज मीन्स होता है रोकना। देखते हैं, आपने देखा होगा कि ये दुकान या फिर ये बिल्डिंग सीज कर दी गई है, यानी उसे बंद कर दिया गया है। और जब सीज लेस हो कोई चीज, यानी वो बंद नहीं है, यानी वो मुक्त है, ठीक है। यानी सीज लेस का मतलब क्या होगा यहाँ पर, लगातार, ठीक है ना, निरंतर। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का मतलब होता है उन्नति करता हुआ, ऊपर उठता हुआ, ठीक है। तो एक फव्वारा लगातार या हमेशा उन्नति करता रहता है, सीजलेस कंटेंट, फिर भी सीजलेस हमेशा क्या रहता है, कंटेंट मीन्स क्या होता है, संतुष्ट, ठीक है। इंसान की फितरत क्या होती है, कितनी भी उन्नति कर ले, कितना भी कमा ले, संतुष्ट नहीं होता है। फव्वारे से हमें क्या सीखना चाहिए कि एक फव्वारा लगातार उन्नति करता रहता है, फिर भी लगातार, फिर भी हमेशा क्या रहता है, संतुष्ट रहता है, कंटेंट मीन्स संतुष्ट। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे डार्कनेस हो यानी अंधेरा हो, और सनशाइन का मतलब धूप या रोशनी, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, दाई एलिमेंट, यही तुम्हारा, दाई मीन्स आपको बताया हुआ है, पिछले स्टेंजा में आया हुआ है, योर, ठीक है, योर मीन्स तुम्हारा, एलिमेंट्स मीन्स मौलिक तत्व या स्वभाव, यही तुम्हारा मौलिक तत्व है, यही तुम्हारा स्वभाव है। क्या स्वभाव है इसका, कि ये हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, सुख हो या दुख हो, ठीक है, चाहे बहुत उन्नति करे चाहे या अवनति कर जाए, हमेशा संतुष्ट रहता है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 8, ग्लोरी। इसमें क्या होता है, इस स्टेंजा में जो कवि है, जो पॉइंट है, वो एक तरीके से कामना कर रहे हैं, ठीक है, फव्वारे से कामना कर रहे हैं कि हे फव्वारे मुझे अपने गुण दे दो, ठीक है। तो क्या कामना करते हैं, देखिए कवि कहते हैं, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस मीन्स क्या होता है, शानदार, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को, लेट मीन्स होता है हो जाना, होने देना, ठीक है। तो मेरे हृदय को, माई हार्ट, मेरे हृदय को लेट, हो जाने दो, बी मीन्स होना, ठीक है। तो हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को हो जाने दो, कैसा, फ्रेश, फ्रेश मीन्स क्या होता है, ताजा या तरोताजा। चेंजफुल, चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील। कॉन्स्टेंट यानी स्थिर, ठीक है, चाहे कितना भी परिवर्तन होता रहे फिर भी स्थिर रहे, यानी उसके स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में, एक इंसान के व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, लेकिन वो वक्त के साथ बदलता रहता है, ठीक है, अपने नए वक्त के साथ अपने आप को ढालता रहता है, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। वही चीज क्या कह रहा है, हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को हो जाने दो, अपनी तरह तरोताजा, परिवर्तनशील, स्थिर और
अपवार्ड यानी उन्नतिशील, अप ऊपर की ओर यानी गति करता हुआ यानी उन्नतिशील। लाइक मीन्स क्या होता है, की तरह, और दी मीन्स ये यू का एक रूप है, यू लाइक यू तुम्हारी तरह, ठीक है। दाई क्या था, योर का एक रूप था, दी क्या है, यू का एक रूप है, ठीक है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं सारी लाइंस को। यानी एक फव्वारा लगातार उन्नति करता रहता है, फिर भी लगातार संतुष्ट रहता है, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, यही तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हारा मौलिक तत्व है, यही एक फव्वारे का मौलिक तत्व है, ठीक है, कि हमेशा एक जैसे रहना, ठीक है। और लास्ट स्टेंजा में कवि कामना करता है फव्वारे से, हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को बन जाने दो, हो जाने दो, फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी, तरोताजा परिवर्तनशील स्थिर और उन्नतिशील, अपनी तरह यानी मेरे हृदय को अपनी तरह, ठीक है, मेरे हृदय को अपनी तरह तरोताजा परिवर्तनशील स्थिर और उन्नतिशील बन जाने दो, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये पोएम समाप्त होती है। अगर आप इसी तरह से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, ठीक है।